हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी में। तो ये देखिए, आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक वाटर पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं, और इससे बहुत सारे बच्चे इससे कंफ्यूज रहते हैं, खास तौर पे वो वाला सेक्शन जहाँ पे दो चैम्बर दे रखे हैं, ए और बी, और एक में सल्यूट की मात्रा कम, एक में सल्यूट की मात्रा ज़्यादा। और उसमें पूछा गया वाटर पोटेंशियल किस चैम्बर का ज़्यादा, वो जो एनसीईआरटी वाला टेबल है, बहुत से बच्चे उसको लेके परेशान रहते हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं वाटर प्लांट वाटर रिलेशनशिप और फिर वाटर पोटेंशियल को। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। प्लांट वाटर रिलेशनशिप, प्लांट वाटर रिलेशनशिप। वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट। पानी आवश्यक है जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है प्लांट की, उनके लिए पानी आवश्यक है। एंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। साथ में पानी एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इट प्रोवाइड्स द मीडियम इन विच मोस्ट सब्सटेंसेज आर डिजॉल्व। ये ऐसा माध्यम दे रहा है जिसमें सारे सब्सटेंसेज, ज़्यादातर सब्सटेंसेज, इन विच मोस्ट सब्सटेंसेज आर डिजॉल्व, जो घुले हुए हैं। प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव सेल का जो है, नथिंग बट वाटर। इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिजॉल्व एंड सेवरल पार्टिकल सस्पेंडेड। तो प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव, जो जीव द्रव्य है वो कुछ नहीं, पानी है, उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या तो घुले हुए या सस्पेंडेड है, उसमें उतर आ रहे हैं। अब वाटर मेलन हैज़ ओवर 92% वाटर, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से डाटा बेस ही क्वेश्चन वो लोग बना देते हैं। वाटर मेलन में 92% पानी है। मोस्ट हर्बेशियस प्लांट हैव ओनली 10 to 15% ऑफ इट्स फ्रेश वेट एज ड्राई वेट। वाटर मेलन 92% उसमें तरबूज में पानी है, 92% भाग पानी से बन रहा है, जबकि जितने भी शाकाहारी प्लांट हैं उसमें केवल 10 से 15% भाग जो है ड्राई मैटर सूखा जो पार्टिसिपेशन है पदार्थ का। तो ज़्यादातर इसका मतलब है कि भाई 85 to 90% क्या है, वाटर। हर्बेशियस प्लांट में, शाकाहारी प्लांट में 85 to 90% वाटर कंटेंट है और 10 to 15% ड्राई वेट सूखा भार है। ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विद इन द प्लांट वेरीज। वुडी प्लांट हैव रिलेटिवली वेरी लिटिल वाटर व्हाइल सॉफ्ट प्लांट मोस्टली कंटेन वाटर। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्लांट्स में वाटर कंटेंट अलग अलग हो सकता है। जो वुडी प्लांट्स हैं जिनमें आपको मिल रहा है क्या, वुड मतलब हमारा लकड़ी। तो वुडी प्लांट्स में आप देखेंगे रिलेटिवली वेरी लिटिल वाटर, पानी की मात्रा कम होगी। वेयर एज जो सॉफ्ट प्लांट है, जो मुलायम प्लांट है, उनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। अ सीड में अपीयर ड्राई, बट इट स्टिल हैज़ वाटर, अदरवाइज इट वुड नॉट बी अलाइव एंड रेस्पायरिंग। सीड दिखने में आपको ड्राई दिख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेंट होता है, पानी होता है, नहीं तो ये अलाइव नहीं रहेगा और रेस्पायर नहीं कर पाएगा। तो सीड जो दिखने में आपको सूखा दिखाई दे रहा है, वो सूखा नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत पानी है, और उसी पानी की वजह से वो जीवित है, रेस्पायर भी कर रहा है। टेरेस्ट्रियल प्लांट स्टेक अप ह्यूज अमाउंट वाटर डेली, बट मोस्ट ऑफ इट लॉस ड्यू टू द एयर थ्रू एवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स, दैट इज ट्रांसपाइरेशन। कह रहा जी, आपको देखने में आएगा टेरेस्ट्रियल प्लांट, वो प्लांट जो स्थली अवस्था में रह रहे हैं, स्थली जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें भी वो बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं, और ज़्यादातर पानी इनका पत्ती से बाहर बन के उग जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन की दिखाता है फ्रॉम द लीव, जिसको कि वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट जो एक्वेटिक हैबिटेट में नहीं, स्थल में रह रहे हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि पानी अच्छी खासी मात्रा में एब्जॉर्ब किया जाएगा, और वो पानी, ज़्यादातर पानी भाप बन के उड़ जाएगा। अ मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे। मैच्योर कॉर्न प्लांट, हमारा एक व्यस्क कॉर्न प्लांट 3 लीटर पानी लगभग एब्जॉर्ब कर लेता है दिन में। तो ये वाले जितने भी कंटेंट हैं कि 92% वाटर मेलन में, 80 to 85% वाटर कंटेंट है, हर्बेशियस प्लांट में 10 to 15% उसका ड्राई वेट है, ये सारे बातें आप एक जगह लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा अच्छे से
क्योंकि इसी से रिलेटेड वो लोग क्वेश्चन बना देते हैं, अपनी एनसीईआरटी का डाटा है ये पूरा। अ मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे पर डे, वाइल अ मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ओन बॉडी वेट बाय अबाउट इन अबाउट 5 आवर। मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा, 5 घंटे में अपने शरीर के भार के बराबर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉर्न प्लांट 3 लीटर पानी पर डे एब्जॉर्ब करता है। तो ये दोनों बातें आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। बिकॉज of this high demand for water, it is not surprising that water is often the limiting factor for plant growth, productivity in both agriculture and natural environment. कह रहा है कि इतनी ज़्यादा डिमांड है जो दिख रही है कि इतनी ज़्यादा डिमांड, तो उस डिमांड को देखते हुए ये बात कोई बहुत ज़्यादा विस्मयकारी हमें नहीं करती, आश्चर्यचकित नहीं करती कि प्लांट अक्सर प्लांट के लिए वाटर की उपलब्धता लिमिटिंग फैक्टर हो जाती है। वाटर इज ऑफन द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट की वृद्धि के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए वाटर जो है लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। इतनी ज़्यादा डिमांड है कि लिमिटिंग फैक्टर अक्सर वाटर ही हो जाता है प्रोडक्टिविटी और प्लांट ग्रोथ के लिए लिमिटिंग फैक्टर इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी, नेचुरल इन्वायरमेंट प्राकृतिक कंडीशन में। अब वाटर पोटेंशियल, ये वाला आपका भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर पोटेंशियल समझ लीजिए। चलिए वाटर पोटेंशियल वाले टॉपिक पे आ गए हम लोग। वाटर पोटेंशियल टू कॉम्प्रीहेंड अंडरस्टैंड वाटर प्लांट वाटर रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टन स्टैंडर्ड टर्म्स इज नेसेसरी। वाटर पोटेंशियल इज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट। कह रहा प्लांट वाटर में प्लांट का क्या स्टेटस है पानी को लेकर, प्लांट के सेल्स का पानी के साथ क्या रिश्ता है, इसको समझने के लिए कुछ स्टैंडर्ड हमारे टर्म्स हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। तो कुछ हमारे मानक टर्म्स हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। वाटर पोटेंशियल इज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट। वाटर पोटेंशियल से कॉन्सेप्ट आपका बनेगा और वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू, ये इस तरह का आपका कॉन्सेप्ट है कि जो आधारभूत आवश्यकता है इस बात को समझने की कि वाटर मूवमेंट किधर से किधर होगा, किन्हीं प्लांट सेल्स के बीच में। अगर ए और बी दो प्लांट सेल्स दी हुई हैं तो जब तक आप उनका वाटर स्टेटस नहीं जानेंगे, वाटर पोटेंशियल नहीं जानेंगे और वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे, आप ये नहीं बता पाएंगे कि सेल ए से बी में पानी जाएगा सॉरी कि बी से ए में आएगा। तो वाटर पोटेंशियल ये कॉन्सेप्ट है, आधारभूत कॉन्सेप्ट है जो ये बताने का कि पानी का मूवमेंट किधर से किधर होगा। तो पानी का मूवमेंट ए से बी की, बी की ओर, बी से ए की ओर, ये जानने के लिए आपको वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। और दोनों सेल या सिस्टम जब तक उनका आप वाटर पोटेंशियल नहीं जानेंगे, आप ये नहीं बता पाएंगे कि पानी किधर से किधर जाएगा। सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल आर टू मेन कॉन्सेप्ट दैट डिटरमिन वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को निर्धारित करने में दो चीज़ों का रोल है, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। तो सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल दो ऐसे घटक हैं जो इस बात को निर्धारित करते हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या होगा किसी सेल का या सिस्टम का। वाटर पोटेंशियल है क्या? वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी। वाटर पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की इन अ सिस्टम कंपेयर टू प्योर वाटर। तो कोई सिस्टम, उसमें आपका सोल्यूशन है। वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम कंपेयर टू, कंपेयर जब आप इन दोनों की तुलना कर रहे हैं, वाटर सिस्टम में है या सेल में है या किसी वेसल में है, किसी सिस्टम में है, जब उस वाटर की, वाटर पोटेंशियल की तुलना आप प्योर वाटर के वाटर पोटेंशियल से करते हैं, तब उसको हम बोलते हैं कि वाटर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम कंपेयर टू प्योर वाटर। जब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन सिस्टम कंपेयर टू प्योर वाटर पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा वाटर पोटेंशियल। ऐसी एक परिभाषा सजेस्ट करी गई है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है आपकी समझ में, मैं समझता हूँ कि नहीं आई होगी, फिर से समझिए क्या कह रहा। कह रहा प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल और एक सिस्टम या सेल या सोल्यूशन कुछ भी कह लीजिए, उसमें जो वाटर है उसके वाटर पोटेंशियल की तुलना जब प्योर वाटर के वाटर पोटेंशियल से दोनों की कर रहे हैं, तो वही डिफरेंस जो है वही वाटर पोटेंशियल है। वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम
कंपेयर टू प्योर वाटर व्हेन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट द सेम, जबकि दोनों पे सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है जी। इट कैन ऑल्सो बी डिटर्मिंड एज, इसको हम लोग कह सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी डिटर्मिंड एज मेजर ऑफ हाउ फ्रीली वाटर मॉलिक्यूल्स कैन मूव इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट और सिस्टम। साथ के साथ हम कह सकते हैं कि ये इट ऑल्सो कैन बी डिस्क्राइब एज अ मेजर, ये इस बात का द्योतक है या इस बात को हम लोग सूचकांक है या इस बात को हम मेजरमेंट करें कि कितनी आसानी से पानी मूव हो सकता है, कैन मूव इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में पानी कितनी आसानी से मूव हो सकता है, ये इस बात का द्योतक है। इट इज़ मेजर्ड इन किलो पास्कल एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर्स, आई ये वाली लाइनें इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से यहाँ तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, लेकिन ये आपका बेसिक बात समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि वाटर पोटेंशियल क्या है। वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल, उसका जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी ऐसे सिस्टम से जिसमें वाटर प्योर नहीं है सॉल्यूशन फॉर्म में, तो प्योर वाटर का और सॉल्यूशन के वाटर पोटेंशियल का जब आप पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे उसको जब आप देखेंगे तो वो वाटर पोटेंशियल है। वाटर पोटेंशियल इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वाटर इन अ सिस्टम, किसी सिस्टम में जो वाटर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी और प्योर वाटर की पोटेंशियल एनर्जी, जब इन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हैं तो वही डिफरेंस है वाटर पोटेंशियल, ठीक। वाटर पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, किसी सिस्टम में, किसी तंत्र में, किसी वेसल में, किसी कोशिका में, किसी सॉल्यूशन में, कंपेयर टू प्योर वाटर, जब उसको प्योर वाटर के साथ आप कंपैरिजन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का वाटर के सिस्टम में जो है और प्योर वाटर का, वही डिफरेंस है वाटर पोटेंशियल। और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे सेम होना चाहिए। ग्रीक लेटर साई से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पास्कल या किलो पास्कल इसकी यूनिट है। वाटर पोटेंशियल इज़ नेवर पॉजिटिव बट हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जीरो, वाटर पोटेंशियल कभी पॉजिटिव नहीं होता, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, रट लीजिएगा ऐसे ही। वाटर पोटेंशियल कभी कह रहा पॉजिटिव नहीं होता बट हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जीरो विच इज़ दैट ऑफ प्योर वाटर एट एटमोसफेरिक प्रेशर, जो प्योर वाटर का है एटमोसफेरिक प्रेशर पे जीरो है। वाटर मॉलिक्यूल पोजेस काइनेटिक एनर्जी, वाटर मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी, अब इसको समझिए, काइनेटिक एनर्जी होने के कारण ये मॉलिक्यूल हर समय उछल कूद मचाए रहते हैं, शैतान बच्चे हैं, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी है, वो रैंडम मूवमेंट करने की तथा रखते हैं। तो वाटर पोटेंशियल इज द, हम कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू गेट इक्वली डिस्पर्स इन अवेलेबल एरिया, किसी भी उपलब्ध स्थान में वो इक्वली डिस्टर्ब होना चाहते हैं, इक्वली डिस्पर्स होना चाहते हैं, पूरी रूप से उस जगह को घेरना चाहते हैं, बराबर रूप से वितरित होना चाहते हैं, तो यही इनकी काइनेटिक एनर्जी, यही वाटर पोटेंशियल है। वाटर मॉलिक्यूल पोजेस काइनेटिक एनर्जी इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म, दे आर इन रैंडम मोशन, लिक्विड फॉर्म में हो गैसियस फॉर्म में हो हर समय वो उछल कूद मचाए रहते हैं, चारों तरफ भागे रहते हैं, दैट इज बोथ रैपिड एंड कॉन्स्टेंट। तो ये जो रैपिड मोशन दिखा रहे हैं ये रैपिड है, स्वतः चलित है, रैपिड तेज है, कॉन्स्टेंट है, लगातार है। द ग्रेटर द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम द ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी, किसी भी सिस्टम में जितने वाटर मॉलिक्यूल हैं ग्रेटर द कंसनट्रेशन ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी, हैंस इट इज़ ऑब्वियस दैट प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल, इसलिए ये बात ऑब्वियस है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो है सबसे ज़्यादा होगा। समझ में आई बात? तो भैया वाटर पोटेंशियल, वाटर आप कहीं छोड़ेंगे उसकी इच्छा होगी, मानिए रूम में आपने छोड़ा एक तरफ कि हम पूरे रूम में पूरे सरफेस पर फैल जाए, तो ये हर समय रैंडम मूवमेंट में है। अब जब ये प्योर है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तब वो सबसे ज़्यादा, और अगर आपने उसमें कुछ मिला दिया, मानिए आपने उसमें कुछ मिला दिया, शुगर या सॉल्ट या सॉल्ट कुछ भी आपने सोल्यूशन मिला दिया, मतलब उसके कुछ भी आपने मिला दिया, तो क्या होगा? तो होगा ये कि भैया उसकी कम हो जाएगी वाटर पोटेंशियल, क्योंकि अब यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कुछ दूसरे मॉलिक्यूल भी, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल के मूवमेंट को जो रैपिड है और हो रहा है अपने आप, उसको वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? वाटर के मॉलिक्यूल उतने फ्रीली नहीं मूव हो पाएंगे, क्योंकि वाटर के साथ अब कुछ दूसरी भी चीज़ है। तो बाप जान घर नहीं, बेटे को किसी का डर नहीं, लेकिन बाप जान घर है तो बेटे को डर है। अगर सिस्टम में केवल प्योर वाटर मॉलिक्यूल है, प्योर वाटर है, तो मॉलिक्यूल चारों तरफ डिस्पर्स हो रहे हैं, लेकिन अगर बीच में आपने कुछ मिला दिया तो दूसरे मॉलिक्यूल्स की वजह से वाटर मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है वो हिंडर होगी, उसमें परेशानी आएगी, रेजिस्टेंस क्रिएट होगी,
ये हो जाएगा वाटर पोटेंशियल कब हो जाएगा, तो वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा कब है, जब वाटर प्योर फॉर्म में, और एज सुन एज यू ऐड समथिंग, जैसे ही आपने उसमें 2 लीटर पानी था, वाटर पोटेंशियल 0 है, मैक्सिमम है, प्योर वाटर है। जैसे ही आपने इसमें 1 किलो चीनी घोली, वाटर पोटेंशियल 0 से कम हो जाएगा, 0 तो मैक्सिमम है, -3 हो गया या -6 हो गया। अब आपने 1 किलो और घोली, अब ये -12 हो गया, 1 किलो और घोली -18 हो गया। तो जितना आप उसमें सल्यूट घोलते चले जाएंगे, जितना ज़्यादा सल्यूट होगा, उतना ही निगेटिव वाटर पोटेंशियल होगा। निगेटिव का मतलब कम होगा, -3, -6, -18, -90। इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन है? -90। सबसे बड़ी डिजिट कौन है? -3, क्योंकि माइनस साइन लगा है। खाली आप मैग्नीट्यूड 3, 6 या 18 या 90 ना देखिए, माइनस साइन लगा है। यहाँ आप 3 रुपये घाटे पे हैं, आप 90 रुपये घाटे पे। मज़ेदारी वाली बात क्या है यहाँ कि 3 ही रुपये घाटा है, कहीं से आपको 6 रुपये मिले आप 3 रुपये प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर 6 रुपये मिले तब भी आप -18, अभी भी आपको 84 रुपये उधार है, ठीक है। तो जैसे ही आप प्योर वाटर में सॉल्ट या शुगर या समथिंग लाइक दैट कुछ भी आप घोलते हो, उसका वाटर पोटेंशियल 0 से लेसर हो जाता, तो 0 से लेसर माइनस की तरफ हो जाता। द ग्रेटर द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इन सिस्टम, द ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी। जितना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल का कंसनट्रेशन होगा, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतना ज़्यादा वाटर पोटेंशियल। हाइएस्ट कितना? 0 प्योर वाटर का। इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टैक्ट, रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल रिजल्ट इन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिस्टम विद हायर एनर्जी टू वन विद लोअर एनर्जी। दो सिस्टम है ए और बी, और इनको आप इंटरकनेक्ट कर दीजिए, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर किधर से किधर होगा डिपेंड करता है कि वाटर पोटेंशियल किसका ज़्यादा। मानिए इसका है -5 और इसका है -18, किसका ज़्यादा? इसका। तो इधर से इधर वाटर मॉलिक्यूल नेट मूवमेंट होगा। नेट मूवमेंट का मतलब ये है कि अगर इधर 100 मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो 10-15 इधर भी आ रहे हैं। ज़्यादा किधर से जा रहे हैं? नेट मूवमेंट में आप देखेंगे, नेट मूवमेंट में ए से बी की तरफ हो रहा मूवमेंट, क्योंकि ए का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। तो हायर वाटर पोटेंशियल एरिया से लोअर वाटर पोटेंशियल एरिया की तरफ आप याद रखिएगा मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक। विल रिजल्ट इन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिस्टम विद हायर एनर्जी टू द वन विद लोअर एनर्जी। दस वाटर विल मूव फ्रॉम द सिस्टम कंटेनिंग वाटर एट हायर वाटर पोटेंशियल टू द वन हैविंग लो वाटर पोटेंशियल। इसलिए वाटर मूव होगा ऐसे सिस्टम से जिसका वाटर पोटेंशियल हायर है, ऐसे सिस्टम की तरफ जिसका वाटर पोटेंशियल लोअर है। दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज डाउन अ ग्रेडियंट टू फ्री एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सब्सटेंसेज मूवमेंट, दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज डाउन अ ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय सिंबल साई एंड इज एक्सप्रेस इन प्रेशर यूनिट पास्कल। ये हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं। बाय कन्वेंशन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे 0 विच इज नॉट अंडर प्रेशर। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे चले। कंडीशन वन, अब एक कंडीशन एज्यूम करते हैं। इफ सम सल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन प्योर वाटर, द सल्यूशन हैज लेस फ्री वाटर। वेसल थी, बकेट थी, कुछ भी था, उसमें आपने प्योर वाटर ले रखा था, जैसे ही आपने इसमें सल्यूट घोला, वाटर पोटेंशियल सल्यूशन का कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई। भैया आपने उसमें कोई चीज घोल दी, अगर यहाँ तक पानी भरा था तो प्योर वाटर था, अब आपने इसमें 2 किलो चीनी घोली तो यहाँ तक अब जो सल्यूशन बना इसका लेवल रेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक के सल्यूशन में केवल प्योर वाटर नहीं ना, उसमें क्या है? शुगर भी है। इस वजह से अगर इतने ही वॉल्यूम वाले हम प्योर वाटर सल्यूशन देखें, सेम वॉल्यूम वाला, तो सेम वॉल्यूम वाला जो सल्यूशन होगा उसमें वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन प्योर वाटर की कंपैरिजन में कम होगी। नहीं समझ में आई? समझो मेरे बच्चे, 2 लीटर पानी और 2 लीटर सल्यूशन, यहाँ 2 लीटर पानी है प्योर, तो 100% प्योर वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, लेकिन यहाँ 2 लीटर सल्यूशन है। 2 लीटर सल्यूशन का मतलब है सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सम सल्यूट। वो सल्यूट अगर 1 किलो चीनी है तो 1 किलो चीनी अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर देगी ना, तो 2 लीटर सल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन 2 लीटर प्योर वाटर में
वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन से कम होगी ना, यही बात कह रहा। हेंस ऑल सोल्यूशन हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल, इसलिए सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल लोअर होगा प्योर वाटर से। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल। और ये जितना वाटर पोटेंशियल कम हो गया सोल्यूट के घोलने की वजह से, वो सोल्यूट पोटेंशियल है। सोल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज निगेटिव होगा। द मोर द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स द लोअर द सोल्यूट पोटेंशियल। अब आप समझो, यहाँ पे एक लीटर पानी, उसमें आपने पहले 100 ग्राम चीनी घोली, सोल्यूट पोटेंशियल -6 हो गया। अब आपने एक लीटर पानी, एक लीटर सोल्यूशन है क्योंकि 100 ग्राम चीनी, आपने 200 ग्राम चीनी और घोली, अब ये -16 हो गया। फिर आपने और चीनी घोली, 500 ग्राम चीनी घोली, -30 हो गया। तो माइनस की तरफ जा रहा है, ये मैग्नीट्यूड कम है इससे और इससे, सबसे ज़्यादा क्या है -6। तो मोर यू एड द सोल्यूट टू द सोल्यूशन द लोअर विल बिकम सोल्यूट पोटेंशियल। तो जितना ज़्यादा आप सोल्यूट घोलोगे उतना कम सोल्यूट पोटेंशियल होगा और उतना ही कम वाटर पोटेंशियल होगा। फॉर अ सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। कंडीशन टू पे आइए, इफ़ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था, अब आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड कर दिया है सोल्यूशन पे, प्योर वाटर और सोल्यूशन पे, इस वाटर पोटेंशियल इंक्रीज, वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इट इज़ इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ये वैसे ही है जैसे आप पंप लगा के पानी एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जब आपने प्रेशर लगा दिया, एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन आवर बॉडी, जो हमारे सिस्टम हार्ट ब्लड पंप कर रहा वो प्रेशर पोटेंशियल से जनरेट करके कर रहा। प्रेशर कैन बिल्ट अप इन अ प्लांट सिस्टम। प्लांट सिस्टम में व्हेन वाटर एंटर्स अ सेल, प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन कॉजिंग अ प्रेशर बिल्ट अप अगेंस्ट द वॉल। प्रेशर बिल्ट अप होता है जब कोशिका में पानी एंटर होता है बाहर से, तो ये कोशिका द्रव फूलने लगता है और इधर की तरफ प्रेशर मारता है, वो टर्गर प्रेशर है। जितना टर्गर प्रेशर वॉल की तरफ लग रहा है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में वॉल प्रेशर लग रहा। तो पानी के अंदर आने की वजह से जो कोशिका में स्फीतन हो रहा, कोशिका स्फीत हो रही है, वही स्फीति दाब है, टर्गर प्रेशर है। तो जितना पानी अंदर आ रहा उसकी वजह से प्लांट सेल टर्गर डिटी टर्गिडिटी शो कर रही है, फूल रही है, उतना ही उसका टर्गर प्रेशर है। और जितना टर्गर प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है अंदर की तरफ, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में वॉल प्रेशर लगेगा, सेल वॉल का प्रेशर। प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन कॉजिंग अ प्रेशर बिल्ट अप अगेंस्ट द सेल वॉल, इट मेक्स द सेल टारगेट, सो प्रेशर डेवलप्स नोन एज टारगेटिटी की वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसको टारगेट प्रेशर बोल रहे हैं। दिस इंक्रीजेज द प्रेशर पोटेंशियल। तो इससे टारगेट प्रेशर की वजह से पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल बिल्टअप होगा। इट इज़ अ प्रेशर विच डेवलप्स इन एन ऑस्मोटिक सिस्टम ड्यू टू ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इन टू इट और एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम इट। तो प्रेशर पोटेंशियल क्या है उसको डिफाइन किया गया। प्रेशर पोटेंशियल है किसी भी ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन। ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे वाटर हो वहाँ पे आप सोल्यूट थोड़ा घोल दीजिए, जहाँ पे प्योर वाटर हो वहाँ पे आप थोड़ा सा सोल्यूट या ज़्यादा सोल्यूट घोल दीजिए, जो सोल्यूशन बनेगा वो ऑस्मोटिकली एक्टिव होगा। तो अपने संपर्क में आए किसी दूसरे सिस्टम या सेल से या तो ये पानी ले लेगा या पानी दे देगा, डिपेंड करता है कि ये हमारा ए सिस्टम था, ये किसी बी सिस्टम के संपर्क में आया, पानी किधर पे किधर जाएगा डिपेंड इस बात पे करता है कि वाटर पोटेंशियल किसका ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा है पानी उधर से दूसरे की तरफ चला जाएगा। तो किसी भी ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन में पानी की एंट्री की वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है या पानी के निकासी की वजह से, वो प्रेशर पोटेंशियल है। किसी भी ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन में पानी के अंदर आने की वजह से या पानी के बाहर जाने की वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो प्रेशर पोटेंशियल है। अंदर जब पानी आता है पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होता है, पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको टारगेट प्रेशर बोलते हैं, और पानी जब बाहर जाता है किसी ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन से, सेल से, तो उसको हम उसकी वजह से निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको हम सक्शन प्रेशर बोलते हैं। ठीक है जी, प्रेशर पोटेंशियल दो तरह का, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव डेवलप हुआ है ड्यू टू ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन में जब पानी एंटर हुआ है,
तो पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप होगा और ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन से जब पानी बाहर निकल जाएगा तो निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप होगा। पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल टर्गर प्रेशर, निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल सक्शन प्रेशर। वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल अफेक्टेड बाय बोथ सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल, द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज एज फॉलो। पहले भी हम लोग इसकी बात कर चुके हैं, चलिए आगे चलें। ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल सेम बात है, ये बात आप इंपॉर्टेंट है नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल सेम बात है, इट इज़ द डिक्रीज इन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। केमिकल पोटेंशियल ही वाटर पोटेंशियल है, इट इज़ द डिक्रीज इन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन इट। प्योर वाटर में जैसे ही आपने सॉल्यूट घोला उसका प्रेशर पोटेंशियल या केमिकल पोटेंशियल कम हो जाएगा। सॉल्यूट पार्टिकल्स रिड्यूसेस द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर बाय डाइल्यूटिंग इट। सॉल्यूट पार्टिकल्स जो आ गए प्योर वाटर में वो फ्री एनर्जी वाटर की कम कर देंगे, वाटर मॉलिक्यूल को रोकेंगे। रिड्यूसेस द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर बाय डाइल्यूटिंग इट, क्योंकि वाटर अब डाइल्यूट हो गया। इन इफ सम सॉल्यूट डिजॉल्व इन प्योर वाटर द सॉल्यूशन हैज़ लेस फ्री वाटर। अगर आपने सॉल्यूट घोला तो जो सॉल्यूशन बनेगा सॉल्यूशन में प्योर वाटर की तुलना में कम होंगे वाटर मॉलिक्यूल, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल। हैंस ऑल सॉल्यूशन हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर, इसलिए कोई भी सॉल्यूशन है उसका वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर से कम होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड, ये इज होना चाहिए, सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट के घोलने की वजह से वाटर पोटेंशियल में जो कमी आ गई वही सॉल्यूट पोटेंशियल है। सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज निगेटिव, हमेशा निगेटिव होगा। द मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल द लोअर द सॉल्यूट पोटेंशियल, जितना ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल उतना कम सॉल्यूट पोटेंशियल। फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारी बातें हो चुकी, फिर से रिपीट हो गई आपके भलाई के लिए। प्रेशर पोटेंशियल इज द प्रेशर विच डेवलप्स इन एन ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन ड्यू टू ऑस्मोटिक एंट्री और एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम इट। पॉजिटिव प्रेशर डेवलप्स इन अ प्लांट सेल और सिस्टम ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर इन टू इट। पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। लॉस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेज अ निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल दैट इज नोन एज टेंशन। ठीक, द सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल आर टू मेन कंपोनेंट। इस तरह हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल दो मेन कंपोनेंट हैं जो वाटर पोटेंशियल को निर्धारित करते हैं। इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टैक्ट रेंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस फ्रॉम द सिस्टम दैट हैविंग द हायर वाटर पोटेंशियल टू द सिस्टम दैट इज हैविंग द लोअर वाटर पोटेंशियल। अब आ गए हम लोग ऑस्मोसिस पे, वाटर पोटेंशियल को समझने के बाद। द प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। प्लांट सेल के चारों तरफ क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। द सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर, सेल वॉल क्लियरली परमिएबल है वाटर के, एंड सब्सटेंसेज इन सोल्यूशन हैंस आर नॉट अ बैरियर, नॉट अ बैरियर, नॉट अ बैरियर टू मूवमेंट। प्लांट सेल जो सेल वॉल है वो वाटर को भी अपने माध्यम से निकल जाने देती है और सॉल्यूट को भी निकल जाने देती है। इन प्लांट्स द सेल्स यूजली कंटेन अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट की सेल में आपको सेंट्रल वैक्यूल मिलेगी हूज कॉन्टेक्ट्स आर हूज कंटेंट्स, जिसके कि कंटेंट सेंट्रल वैक्यूल के कंटेंट क्या है, वैक्यूल में मिलने वाला सेल, कंट्रीब्यूटिंग टू द सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल, और उसकी वजह से सॉल्यूट पोटेंशियल सेल का बन जाएगा। इन प्लांट सेल्स द सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल द टोनोप्लास्ट टुगेदर आर इंपॉर्टेंट डिटरमेंट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेज इन टू इट और आउट ऑफ द सेल। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन है और वैक्यूल के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन है, वैक्यूल के चारों तरफ की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, वैक्यूल के चारों तरफ की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट की और टोनोप्लास्ट वो ये निर्धारित करते हैं इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स, इनकी वजह से डिटर्मिनेट होगा कि पानी अंदर आए कि बाहर जाए, वो निर्धारित करेंगे कि क्या चीज़ अंदर आने दें क्या चीज़ को रोक दें, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेज इन द सेल और आउट ऑफ द सेल। ऑस्मोसिस इज द टर्म यूज टू रेफर स्पेशली टू द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ डिफरेंशियल और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस है, वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन है अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वाटर मॉलिक्यूल का जब डिफ्यूजन होता है अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस अकर्स स्पॉन्टेनियसली, अपने आप होने वाली है, इन रिस्पॉन्स टू ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। द नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन द बोथ प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेट रेट ऑफ मूवमेंट, नेट
रेट ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड प्रेशर ग्रेडियंट. वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर केमिकल पोटेंशियल टू इट्स लोअर वाटर पोटेंशियल विदाउट अलाउइंग द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट बाय मीन्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के मार्फत सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से अपने हायर वाटर पोटेंशियल एरिया से लोअर वाटर पोटेंशियल एरिया की तरफ वाटर मूवमेंट जो हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस. द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर पोटेंशियल. केमिकल पोटेंशियल को हम लोग वाटर पोटेंशियल भी बोलते हैं. एट इक्विलिब्रियम टू चैम्बर शुड हैव द सेम वाटर पोटेंशियल. तो दो चैम्बर हैं उनके बीच में अगर आपने कनेक्ट कर दिया वाटर मूवमेंट होने लगेगा नेट, और इक्विलिब्रियम आने पे दोनों तरफ वाटर पोटेंशियल बराबर हो जाएगा. यू मे हैव मेड अ पोटैटो ऑस्मोमीटर एट अर्लियर स्टेज इन स्कूल. आपने हो सकता है पोटैटो ऑस्मोमीटर स्कूल में बनाया हो. इफ द ट्यूबर इज प्लेस्ड इन वाटर, आलू को आप वाटर में प्लेस करना, द कैविटी इन द पोटैटो ट्यूबर कंटेनिंग अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर कलेक्ट्स वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस. अब आपने आलू लिया, उसमें एक खांचा बनाया, उसमें भर दिया शुगरी सोल्यूशन और इसको पानी में भिगो दिया, तो आप देखेंगे पानी इस कैविटी में आ जाएगा. स्टडी फिगर इन विच टू चैम्बर्स ए एंड बी कंटेनिंग सोल्यूट्स आर सेपरेटेड बाय. ठीक है, अब यहाँ देखिए ये दो फिगर दे रखी हैं. सोल्यूशन ये हमारा चैम्बर ए और चैम्बर बी. सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज अ लोअर वाटर पोटेंशियल. लोअर वाटर पोटेंशियल किधर है? इधर है, क्योंकि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल देखिए आयतन सेम है, सल्यूट ज़्यादा है, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल कम है. तो लोअर वाटर पोटेंशियल किसका है? बी का. सल्यूट ऑफ विच चैम्बर हैज अ लोअर सल्यूट पोटेंशियल. सल्यूट पोटेंशियल किसका कम है? बी का ही कम है. बहुत लोग इस बात का गलत जवाब देते हैं. आपकी एनसीईआरटी में साफ लिखा है मोर द सल्यूट पार्टिकल लोअर द सल्यूट पोटेंशियल. जितना ज़्यादा आप घोलेंगे सल्यूट उतना कम होता जाएगा सल्यूट पोटेंशियल. तो बी का ही सल्यूट पोटेंशियल कम है. इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अगर, और अगर आप इन दोनों को कनेक्ट कर दें, उनके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो और वाटर मूवमेंट अलाउ कर दे, तो वाटर किधर से किधर मूव होगा? ए टू बी की तरफ नेट मूवमेंट, क्योंकि थोड़ा बहुत जितना इधर जा रहा है उससे थोड़ा कम इधर आ रहा नेट में. नेट में शुद्ध लाभ इधर को हो रहा, शुद्ध मूवमेंट इधर को हो रहा. विच सोल्यूशन हैज अ हायर सल्यूट पोटेंशियल. सल्यूट पोटेंशियल किसका ज़्यादा? इसका ज़्यादा. एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल. इक्विलिब्रियम आने पे लोअर किसका होगा? बराबर होगा भाई, तभी पड़ला बराबर हुआ तभी इक्विलिब्रियम आया. इफ वन चैम्बर हैज माइनस 2000 एंड अनदर माइनस 1000, विच चैम्बर हैज हायर वाटर? माइनस 1000 इज हायर, माइनस 1000 पास्कल इज हायर देन माइनस 2000 पास्कल. द कंसनट्रेशन, अब ये हो गया हम लोग का वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर. अब हम लोग लगा ले 5-10 क्वेश्चन. द कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट इज मोर ऑन द आउटसाइड ऑफ अ सेल. कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट, तो बाहर की तरफ सेल के बाहर की तरफ सल्यूट का कंसनट्रेशन ज़्यादा, बट इट इज़ एंटरिंग इन टू द सेल. लेकिन फिर भी बाहर की तरफ सल्यूट का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इट इज़ स्टिल एंटरिंग टू द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एनर्जी इज बींग एक्सपेंडेड बाय द सेल, द सल्यूट इज मूविंग अगेंस्ट इट्स कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. सल्यूट कंसनट्रेशन इज हायर इन साइड द सेल देन आउटसाइड द सेल. बाहर की तरफ सल्यूट ज़्यादा है, अंदर की तरफ सल्यूट कम है, लेकिन फिर भी मूवमेंट हो रहा है. क्यों हो रहा है? कह रहा जी इसलिए मूवमेंट हो रहा है कि एनर्जी खर्च करके हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एंड इट्स सोल्यूशन आर. वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का कितना? जीरो. और सोल्यूशन का कितना? निगेटिव, लेस देन जीरो. तो ये वाला आंसर लगा लीजिए. वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का कितना? जीरो. और सोल्यूशन का लेस देन जीरो, निगेटिव होगा, डी आंसर हो जाएगा. सेल ए हैज़ वाटर पोटेंशियल 3- एंड सेल बी हैज़ -8. कौन सा ज़्यादा? ये मूवमेंट ऑफ सेल ए टू बी. मूवमेंट ऑफ सेल कहाँ होगा? सेल ए टू सेल बी. वॉट ऑफ विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? वाटर पोटेंशियल इज केमिकल पोटेंशियल, ठीक. सल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज निगेटिव, ठीक. प्रेशर पोटेंशियल फ्लैसिड सेल का जीरो हो जाएगा, टर्गर प्रेशर जीरो हो जाता. फ्लैसिड जो निचुड़ गई सेल, निचुड़ी सेल कह लीजिए, फ्लैसिड सेल का प्रेशर पोटेंशियल जीरो, टर्गर प्रेशर जीरो, क्योंकि स्वीत उसमें रहा नहीं. वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल इन फुल्ली टारगेट. फुल्ली टारगेट में वाटर पोटेंशियल इक्वल है प्रेशर पोटेंशियल के. वाटर पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा प्रेशर पोटेंशियल के. वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल, रॉन्ग है स्टेटमेंट, यही रॉन्ग पूछ रहा था. वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल इन फुल्ली टारगेट सेल. फुल्ली टारगेट सेल में नहीं, वाटर पोटेंशियल सल्यूट पोटेंशियल के बराबर होगा फ्लैसिड सेल में.
वाटर पोटेंशियल सल्यूट पोटेंशियल के बराबर होगा फ्लैसिड सेल में। फुल्ली टर्गिड सेल में वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो और प्रेशर पोटेंशियल और टर्गर प्रेशर। मैच द कॉलम। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है फ्री मूवमेंट ऑफ आयन, फ्री मूवमेंट ऑफ आयन आयंस एंड मोलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। प्लाज्मोलिसिस क्या है? श्रिंकेज, प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा। इम्बिबिशन हाइड्रोफाइट सब्सटेंसेस इम्बिबिशन शो करता है। इफ टू चैम्बर ए एंड बी कंटेनिंग सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द सोल्यूशन ऑफ इच चैम्बर हैज अ लोअर वाटर पोटेंशियल। लोअर वाटर पोटेंशियल किसका? इधर है, जिधर सोल्यूट ज़्यादा है उधर लोअर वाटर पोटेंशियल है, जिधर सोल्यूट ज़्यादा है उधर लोअर सोल्यूट पोटेंशियल और उधर ही लोअर वाटर पोटेंशियल। द एक्चुअल प्रेशर विद विच वाटर एंटर्स इन टू द सेल, प्रेशर जिसकी वजह से या जिसकी सहायता से ये अंदर आ रहा वो कहलाता है डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट, याद रखिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके, और ये वाले ये आप याद रख लेना। फ्लैसिड सेल का टर्गर प्रेशर जीरो है इसलिए वाटर पोटेंशियल बराबर है किसके? सोल्यूट पोटेंशियल के। अभी हम लोगों ने बात करी फ्लैसिड सेल में टर्गर प्रेशर जीरो, फ्लैसिड सेल का अगर हम स्टेटस लिखना चाहें वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। पार्शियली टर्गिड में, पार्शियली टर्गिड का टर्गर क्या होगा? प्रेजेंटेशन जीरो माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर, और इस समय वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। इक्वेशन वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल पार्शियली टर्गिड। फुल्ली टर्गिड में, फुल्ली टर्गिड में वाटर पोटेंशियल बराबर हो गया टर्गर प्रेशर के या हाइड्रोस्टेटिक ये हमारा प्रेशर पोटेंशियल के। तो फुल्ली टर्गिड में वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल और या ये जीरो हो गया। प्लाज्मोलाइज सेल, प्लाज्मोलाइज सेल में वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ये वाले आप याद रख लीजिएगा। इसमें से जो पूछे जाते हैं फ्लैसिड सेल का, फुल्ली टर्गिड सेल का, ये वाले जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है? ये दो जरूर याद रख लीजिएगा, बाकी भले आप भूल जाएं काम चलेगा। तो यहाँ पे आके अब आपका ख़त्म हो गया हमारा वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाली स्लाइड में या नेक्स्ट वाले हम लोग लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मोलिसिस पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलता हूँ मैं। प्लाज्मोलिसिस को डिस्कस करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस को डिस्कस करेंगे और साथ में उसके कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे, ओके? तो टिल देन गुड लक, गुड बाय। इसको आप पढ़िए वाटर पोटेंशियल को, अच्छा कॉन्सेप्ट है, मज़ेदार है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर आपको मिले तो ज़रूर लगाइएगा। क्वेश्चन के बगैर आपकी नैया वह तरनी पार नहीं होगी। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद, टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।